कल रात को सब अम्मी के पास बैठे हुए थे, बस आप नहीं थी। आप आके कमरे में बैठ गई। मंसूर, मैं कमरे में नहीं बैठी थी, किचन में काम कर रही। अगर मैं आपके साथ बैठती तो आपके लिए चाय कौन बनाता, आपको मीठा सर्व कौन करता? ये काम बाद में भी हो सकते थे। काम खुद ब खुद नहीं हो जाते मंसूर, करने से होते। और आप जानते हैं कि आपकी अम्मी ने क्या किया? आपकी अम्मी ने मेरे वालिदैन से मेरी इतनी शिकायतें की कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई बोला घर आए मेहमान के साथ इस तरह करता है, तो उन्हीं की बेटी के किसे उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। खबरदार जो अम्मी के बारे में एक और लफ्ज भी कहा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपनी अम्मी के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपकी अम्मी चाहे मेरे लिए दुनिया में कुछ भी कहती फिरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फरिश्ता है, मैं शैतान। फजूल की बहस मत करो मेरे साथ। आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप हर किसी को लेक्चर देती फिरे। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं, आपसे कोई गिला शिकवा करूं, तो मैं नहीं करूंगी। आपका जो दिल चाहे आप करें, और आपका जो दिल चाहे आप करें। भाभी, आपको पता है अम्मी ने क्या कहा है? क्या? मंसूर भाई आपको ले जाने के लिए आए थे, लेकिन अम्मी ने उनको मना कर दिया और कहा है कि घर वापस कर दें। देखिए, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? बहुत गलत किया अम्मी ने, और कसूर मंसूर भाई का भी है जो मान गए। मंसूर मान गए? जी। और वो घर वापस कर रहे? उन्होंने तो यही कहा है, वो परेशान भी है। परेशान नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे कि जिम्मेदारी है। अगर वो मुझे साथ नहीं लेकर गए तो मैं यहाँ पे भी नहीं। आपने खारिया वाला घर वापस कर दिया? नहीं, अभी किया नहीं, लेकिन कर दूंगा। क्या मतलब कर देंगे? कि आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अम्मी नहीं चाहती। लेकिन आपके वालदेन ने मेरे वालदेन से वादा किया था कि आप शादी के बाद मुझे अपने साथ रखेंगे। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मैं जानती हूँ मंसूर, ये बात हुई थी। देखो, मैं नहीं जानता कि शादी के वक्त क्या शर्तें रखी गई थी, और अगर मुझे ये पता होता कि शादी के वक्त कोई शर्त रखी गई है, तो मैं आपसे कभी शादी ना करता। तो क्या आप मुझे कभी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? पता नहीं। मंसूर, मैंने शादी आपसे की, आपके घर वालों से नहीं की। अगर मुझे खारिया में घर ना भी मिलता तब भी आप यहीं रहती। अगर मेरे माँ बाप को पता होता कि आपको खारिया में घर नहीं मिलेगा, तो मेरी कभी शादी आपसे ना करते। तो फिर बेहतर ये होगा कि आप अपने माँ बाप को कहें कि आपको यहाँ से आके ले जाएं। आप मुझे जाने का बोल रहे? आप जो मर्जी समझिए। नहीं, मैं कुछ नहीं समझूंगी। आप मुझे समझाएं कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे। ठीक है, आप जा रहे हैं तो जाते वक्त मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ दें। आप खुद ही चले जाएं, या अपने वालदेन को फोन करके कहते हैं कि वो आपको आके ले जाए। पहले भी तो आए थे ना वो। लेकिन मंसूर, अगर आप छोड़ देंगे तो क्या? नहीं छोड़ सकता मैं। आप अपने वालदेन को कहेंगे आपको ले जाएं आके यहाँ से।